आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैलिफोर्निया कब से रहते हैं? जी, कैलिफोर्निया मतलब 23 साल हो गए। ओ, परिवार भी आपका वहीं रहता है? हाँ। उत्तर प्रदेश में कहाँ के आप रहने वाले हैं? मोदी नगर। अच्छा, बहुत सुंदर। तो आप जो है इस योजना के बारे में पहले से जानकारी रखते हैं? आज ही मेरे को कुछ दिन पहले जानकारी दी संजीव जी ने। काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं इस योजना को लेके। हाँ जी, काफ़ी दिनों से मन में इच्छा थी कुछ करने की। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, देखिए, मैं सबसे पहले तो आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में रुचि ली। उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान देने के लिए आप लोग तत्पर हुए हैं। अभी पिछले दिनों लगभग 6 माह पूर्व हमारी मंत्रियों की टीम भी गई थी। उन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों का दौरा किया था और मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि देश के भी और ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश से जो लोग भारत के बाहर रहते हैं उन लोगों का उत्तर प्रदेश के प्रति बहुत सकारात्मक भाव है और उत्तर प्रदेश के प्रति एक नई रुचि जगी है। आपने इसमें रुचि ली है तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। किस कार्य में आप मातृभूमि योजना के साथ जोड़ना चाहते हैं? कार्य तो बहुत है, जैसे कन्वेंशन सेंटर बताया आपने। हाँ। ओपन जिम, स्कूल, एक गांव में जो मैंने देखा है कि प्रिवेंटिव केयर की भी कमी होती है, तो कभी लाइक डिस्पेंसरी सेटअप कर देना, उसका अरेंजमेंट करना, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें वहाँ के लोगों को काफ़ी अच्छा प्रयास हो सकता है इस मामले में। देखिए, इसमें अपना हमारी सरकार एक कार्य कर रही है और वह है सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सक अक्सर होता है कि नहीं जा पाते हैं। उसको हमने टेली कंसल्टेशन के लिए हेल्थ एटीएम लगाने की कार्रवाई प्रारंभ की, यानी गाँव में बैठा हुआ व्यक्ति भी बड़े से बड़े चिकित्सक से जानकारी लेकर के कंसल्टेशन कर सकता है और उसे इस योजना का लाभ मिल सकता है। एक हेल्थ एटीएम 60 प्रकार की जांचें दे रहा है और हर प्रकार की जांचों की व्यवस्था फिर प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिख के भेज देगा, दवा उसको गांव में ही उपलब्ध हो जाएगी। एक बहुत अच्छी योजना है और इसको उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अच्छे स्तर पर आगे बढ़ाना चाहती है। हम प्रयास करेंगे। पहले चरण में हम लोगों ने हेल्थ पीएचसी जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनमें इसको लगाने की कार्रवाई ग्रामीण क्षेत्र में हम करने जा रहे हैं। सेकेंड फेज में हमारा प्रयास होगा कि जितने ग्राम सचिवालय हैं उस ग्राम सचिवालय में एक किसी कंप्यूटर ऑपरेटर को या किसी एक व्यक्ति को हम इसमें ट्रेन करके हर ग्राम सचिवालय में भी हेल्थ एटीएम के साथ अगर आप जोड़ देंगे तो गाँव-गाँव में लोगों को स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और जो चिकित्सालयों में अनावश्यक भीड़ होती है, सामान्य सर्दी जुकाम वायरल फीवर है, इसका उपचार गांव में ही हो सकता है। लेकिन लोगों को जानकारी नहीं, इसलिए हॉस्पिटल में लोग लंबी लाइन में खड़े होते हैं। एक उनको परेशानी होती है दूर जाने में, दूसरा जो गंभीर मरीज होते हैं उनके समय में भी कटौती होती है। तो इसमें भी अगर आप लोग सहयोग कर पाएंगे तो हमें प्रसन्नता होगी। आपने देखा होगा कि यहाँ पे सरकारें पूरी मजबूती के साथ इन कार्यक्रमों के साथ जोड़ना चाहती हैं और अपने नागरिकों को अपने प्रदेश के साथ, अपनी मातृभूमि के साथ जोड़ने के लिए इस योजना को यहाँ पे आज लॉन्च किया जा रहा है। आपने विवेक जी रुचि ली है, आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और उत्तर प्रदेश के प्रति आपकी जो ये रुचि है ये बहुत सारे लोगों को प्रेरित करेगी, प्रोत्साहित करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐसी योजना जिसमें हर किसी की भागीदारी हो सकती है, चाहे वो देश हो, विदेश हो और किसी भी कोने में हो। मातृभूमि के लिए करना हर सभी का फर्ज है। और मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना। पंचायत प्रोत्साहन योजना भी माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरगामी सोच का परिणाम है, जिसमें पंचायतों की परफॉर्मेंस को आकलन करके प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम पुरस्कार दिया जाता है। मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और एक तरह से ये पुरस्कार उन लोगों के लिए है जो रोल मॉडल साबित करें अन्य पंचायतों के लिए कि वो बेहतर काम कर सकें। तो आइए इसी पर आधारित प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के संकल्प का सुपरिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतें जवाबदेह संस्था के रूप में विकसित हो रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में शुरू की गई मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की घोषणा के बाद से अब तक प्रदेश की 1749 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जा चुका है और अब एक बार फिर इसी योजना के तहत सतत विकास लक्ष्यों की 9 थीमों के आधार पर प्रत्येक जनपद से उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों की पुरस्कार राशि को 5 श्रेणियों में तय किया गया है। बहुत सारे ग्राम प्रभाव मैंने देखे, अच्छे बने दिखे, बहुत सारे लोग के बाद अच्छी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते थे, लेकिन गांव की सेवा के लिए ग्राम प्रधान बने। बहुत सारे लोगों के पास अनुभव है, बहुत सारे लोगों के पास तमाम प्रकार की योग्यता है, इस योग्यता का लाभ भी तो होना चाहिए। अगर गांव की सरकार और राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर के एक साथ कार्य प्रारंभ कर देंगे तो अयोग बहनों अभी तो डबल इंजन की सरकार के चमत्कार दिख रहे हैं, ये तो फिर गांव की सरकार भी मिल जाएगी तो ट्रिपल इंजन एक साथ मिलकर के भंडा करके देश को देश की नंबर 1 की इकोनॉमी बना देगा। आज जनपद ललितपुर की गेवरा गुरेंदा ग्राम पंचायत में बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, चारों तरफ स्वच्छता के वातावरण के साथ अच्छी सड़कें, पूरी तरह से एयर कंडीशन्ड ग्राम सचिवालय जैसी विशेषताएं ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में स्थापित कर रही है। हमारे गांव में एक आदर्श विद्यालय है, अच्छी साफ सफाई की जाती है, 2 सोलर पंप लगे हुए हैं। पिछली बार हमें 8 लाख का पुरस्कार मिला था तो उससे हमने 16 नाटक चक्की लगाए। इसी तरह से जनपद जालौन की एरी रामपुरा ग्राम पंचायत आज एक आदर्श ग्राम पंचायत का जीवंत उदाहरण है, जहां विकास कार्य देखने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहुंचे और उन्होंने विकास कार्यों की प्रशंसा कर ग्राम पंचायत को उत्साह से भर दिया। आज यहाँ सर्वांगीण विकास को साफ तौर पर देखा जा सकता है। स्वच्छता के ऊपर पूरा विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जैसे अभी मॉडल पंचायत में हमारी पंचायत का चयन हुआ तो अपशिष्ट प्रबंधन स्वच्छता के लिए बनाया, जो भी ना कचरा निकलेगा, पॉलीथीन वगैरह और सूखा गीला कचरा, उनको अलग बनाया जाएगा। गोबर निकलता है उस पर खाद बनाई जाएगी हमारे यहाँ से, और इसी तरह से पूरा जो नाली स्ट्रेचर था वो भूमिगत नाली बनाई जा रही है। आदर्श ग्राम पंचायतों के विकास की इस होड़ में जनपद झांसी की मऊदेहात ग्राम पंचायत भी पीछे नहीं है। जनपद गोरखपुर की कोठा ग्राम पंचायत में स्वच्छता और सुशासन का बेहतर वातावरण है तो जनपद बाराबंकी की चिलौकी ग्राम पंचायत महिला सशक्तिकरण और डिजिटल ग्राम पंचायत का एक अच्छा उदाहरण है। इसी तरह से मुरादाबाद के मिलक अमावती ग्राम पंचायत को यहाँ की साफ सुथरी सड़कें, जल निकासी का उचित प्रबंधन, कूड़ा निस्तारण की बेहतर व्यवस्थाएं आकर्षक बना रही हैं। निश्चित रूप से जल्दी ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से हमारे प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतें तरक्की के आसमान पर चमकती हुई नजर आएंगी। बढ़ रहे हैं गाँव, संवर रहे हैं गाँव, सबके साथ सबके प्रयास से निखर रहे हैं गांव। अभी आप देख रहे थे एक छोटी सी फिल्म और मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार, जिसमें जिन मंडलों के लोगों को सर्वाधिक अंक मिला है, आज इस शुभ अवसर पर इसको फलीभूत बनाते हुए हम अनुरोध करेंगे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप अपने कर कमलों से प्रतीकात्मक रूप से चेक और प्रमाण पत्र वितरित करें। श्रीमती सबिया परवीन, जोरदार तालियां। मुरादनगर गाजियाबाद, शिवीर सिंह, सुरजन नगर, अचोड़ा कम्बो, संभल, श्रीमती भावना शर्मा, अचोड़ा कम्बो, असमौली, संभल। श्री अभिषेक चहर, सलेमाबाद, अकोला, आगरा। श्री राधेश्याम जी, मडियान, मानिकपुर, चित्रकूट। श्रीमती गीता देवी, बरौली, असोहा, उन्नाव। सुश्री अबरे जहां, जोखटपुर, दमखोदा, बरेली। श्री अशोक कुमार, ढकवारा, मऊरानीपुर, झांसी। श्रीमती पूजा चौधरी, ढोला माजरा, नकुल, सहारनपुर। श्री अनिल कुमार गुप्ता, भटपुरा, रसूलपुर, सिधौली, शाहजहांपुर। ये पुरस्कार यहाँ पर बैठे ऑडिटोरियम में उन सभी के लिए एक उदाहरण है कि हम बेहतर कार्य करें और अगले साल इसी मंच पर हम पुरस्कार ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये दूरदर्शी योजना एक स्वस्थ प्रतियोगिता के माध्यम से समाज का विकास, गांव का विकास, ये उन प्रतिभागियों के लिए खूबसूरत पल जब प्रदेश के मुखिया अपने आशीर्वाद के साथ प्रमाण पत्र दे रहे हैं। ये आज यहाँ है तो कल भी आप यहाँ हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां इन पुरस्कारों के लिए, एक हौसला अफजाई के लिए, जिससे कि आप और बेहतर कार्य कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद माने। और अब अत्यंत आदर के साथ स्वागत, आदर के साथ संबोधन के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। आज के इस पुरस्कार वितरण कार्यक्रम और मातृभूमि योजना का शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर हमारे मंचासीन उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय